हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक तड़का। आज हम सिखाएंगे आपको पंजाबी तड़का स्टाइल मैगी। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। हमारी है एक मैगी और ये हमारे छोटे एक टमाटर है काट के रखा है, और एक छोटा ऑनियन है जिसको भी हमने काट लिया, एक मिर्च है, शिमला मिर्च है, और इन दिनों ऑरेंज वाली गाजर मिलती है तो वो थोड़ी सी काट के हमने रखी हुई है, और ये फ्रोज़न मटर है, और ये है कुछ मिर्च तड़के के लिए। तो हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन रख दिया है। इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म होने वाला है। आप घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। और इसमें हमारा ये प्याज कटा हुआ डालेंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे अपनी हरी मिर्च, इसके बाद हम डालेंगे अपना टमाटो, हमारा टमाटो हो चुका है अच्छी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे अपना कैप्सिकम, शिमला मिर्च, मटर, और ये गाजर, ऑरेंज गाजर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम अपना स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हम नमक डालेंगे। आप नमक आपकी इच्छा है, ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। मैं थोड़े से डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा कम होता है मैगी मसाले में। और इसके बाद हम डाल देंगे एक कप पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पानी बॉयल हो गया है। अब इसके बाद हम अपनी मैगी डालेंगे इसमें। ये हमारी एक कप पैकेट मैगी है। और इसके बाद हम अपना मैगी मसाला डालेंगे। और ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। एक सेकंड के लिए हम इसको ढक देते हैं, 1-2 सेकंड के लिए। देखिए, हम ढक्कन हटा कर देखेंगे अपनी मैगी को। हमारी मैगी ऑलमोस्ट बन गई है, हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए पक गई है, अब इसको तड़का लगाए हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारी मैगी रेडी है। अब हम इसमें पंजाबी स्टाइल तड़का लगाएंगे। हमने एक चम्मच थोड़ा घी डाला है अपने चमचे में, और इसमें हम कुछ फ्लेक्स डालेंगे, हम क्रश करे हुए रेड चिली। देखिए गैस को हम ऑफ कर देंगे, और ये तड़का हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पंजाबी तड़का स्टाइल मैगी रेडी है। आप भी इस तरीके से बनाइए। और हमने इसको ग्रीन कोरिएंडर लीव्स से हमने गार्निश कर दिया है। और आप भी इस तरीके से बनाइए और ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी को। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।